विक्रांत राय। आप लोगों ने मुझे कुछ टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जैसे कि घर की लक्ष्मी बेटियां, जिसमें मैं क्षितिज के रोल में था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, और मायका, जिसमें मैं जीत के कैरेक्टर में था। काफ़ी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे उस रोल में। अभी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ युवा। आप लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ सालों से मैं टीवी पे नहीं हूँ, और बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं विक्रांत कहाँ चले गए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं गया था। मैंने एक फैसला लिया था, कुछ मन में ठान लिया था कि अब मैं फ़िल्म करना चाहूँगा, अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना चाहूँगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने कोशिश की और कुछ वक्त लगा, लेकिन आज मैं मेरे पोस्टर के सामने खड़ा हूँ, और आप लोगों की दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत। युवा का एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बताइए कि ये मूवी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। युवा जो है, युवा का मतलब होता है यूथ, और आज जो देश है, देश ऐसे कगार पे खड़ा है जहाँ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। हर किसी के मन में तमन्ना होती है कि भारत देश को पूरी दुनिया इज्जत की नज़र से देखे, भारत देश को सुपर पावर की नज़र से देखे, भारत पूरे दुनिया में छा जाए। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए कदम उठाना पड़ता है, और कदम युवा सोच के साथ ही उठाया जा सकता है। आज युवा को मैं जो देख रहा हूँ आज सोसाइटी में, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा युवा जो है ना, वो दूसरे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी स्टाइल को, उनके सोच को फॉलो करने के लिए, उनकी नकल करने में ही खोया हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं युवाओं से सवाल करता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको लोग नकल करें, या क्या आपके पास अपनी कोई चीज़ नहीं है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के थ्रू हमने दिखाया कि आज का युवा कैसा होना चाहिए, आज के युवा को क्या करना चाहिए। और युवा का मतलब है, जैसे कि हमने इसमें 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बने हुए हैं, तो ये वो स्टेज है लाइफ की जहाँ पर बच्चे जो हैं वो सोचते नहीं हैं कुछ भी, कि कुछ भी करने से पहले। तो वो स्टेज, जाहिर सी बात है, आप इंजॉय करते हैं उस वक्त, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो एनर्जी है, जो प्योरिटी है हमारे अंदर, वो हमें बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी ताकत देती है। आपको एहसास नहीं होता कि आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, और उसी ताकत के साथ हमने इस फिल्म में एक स्टैंड लिया है, और चाहे हमारे साथ कितनी भी ज़्यादा ज्यादती हो जाए, लेकिन हमने वो स्टैंड छोड़ा नहीं। इतने सारे आपने बात की, जो जीता वही इसके अंदर एक मिसाल थी मूवी में, जो आमिर खान के अलग जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो जीता वही सिकंदर में तो आमिर खान जी थे, वो उस वक्त थोड़ा बड़ा नाम हो चुके थे, लोग उनको जानते थे। हमारी इस फिल्म में हम नए बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, हमें पता है कि हमने क्या बनाया है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये फिल्म देखने जाएंगे, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें न्यू कमर्स हैं, तो आप एक बार जाके देखिए। आप जब ये फिल्म देखने जाएंगे तो ये फिल्म शायद वही मिसाल खड़ी करेगी जो जोजीता वही सिकंदर ने खड़ी की थी। क्या तैयारियाँ की आपने? वेल, एज एन एक्टर, मैंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगा, मैंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। बट एज एन एक्टर, शुरू से मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे एक्टिंग के नाम पे सिर्फ एक फैंसी ड्रेस होता है, तो मैंने जितना मुझसे होता था, शायद एक्टिंग मेरे अंदर नेचुरली है, और मैं फील करके एक्ट करता हूँ। और जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एक एक सीन को दिल से समझ के काम करूँ और ईमानदारी से निभाऊँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी सोच पे भरोसा रखिए, अपने देश पे भरोसा रखिए, अपनी संस्कृति पे भरोसा रखिए, और कुछ इस कदर उस पे भरोसा रखिए कि वो अपने आप दूसरी जगह फैल जाए और लोग आप पे भरोसा करना शुरू करें। क्योंकि सबसे पहले शुरू होता है कि आप अपने आप पे भरोसा करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, देन द होल वर्ल्ड विल बिलीव यू। यू हैव टू लाइक योरसेल्फ, देन द होल वर्ल्ड विल लाइक यू। यू हैव टू लव योरसेल्फ, देन द होल वर्ल्ड विल लव यू। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग और ट्राइंग टू कॉपी समबडी एल्स, Love yourself, believe in yourself. Do you have any plans to return to your TV screen? देखिए, टीवी और फिल्म में मैं कोई ऐसा फ़र्क नहीं करता हूँ कि जस्ट बिकॉज मैंने टीवी छोड़ा और फिल्म के पीछे मैं भाग गया, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं टीवी में ज़रूर जाऊँगा। मैं कोई स्टार सन तो हूँ नहीं, ना मैं कोई बिजनेसमैन का बेटा हूँ कि मेरे फादर यहाँ पैसा लगा के खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मेहनत से यहाँ पर हूँ, जब तक फिल्म में मुझे मौका मिलता रहेगा मैं मेहनत से काम करूँगा, और अगर मुझे लगा कि मुझे टीवी में वापस जाना है और मेरे सही रोल है तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, दैट्स इट। Thank you. Thank you so much. Visual model.